अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताबिश है और आप देख रहे हैं ये वीडियो ऑन देसी क्रिप्टो गुरु, जो कि मैंने चैनल बनाया है उन लोगों के लिए जो कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में आसान लफ्ज़ों में जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि वो कैसे इसमें इन्वेस्ट करें, किस चीज़ में इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करें। और मैं वो वीडियोज़ आपको दिखाता हूँ अभी और पोस्ट करता रहूँगा। ये आप सब मुझे जानते हैं ताशिफ है यूट्यूब चैनल से, मैं आपके पिछले 12 साल से स्वीडन में रह रहा हूँ और मैंने स्वीडन में लाइफस्टाइल के बारे में बहुत सारी वीडियोज़ बनाकर पोस्ट की हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाएँ ये वाला चैनल भी चेक करें। लेकिन अब हम चलते हैं अपने देसी क्रिप्टो गुरु में और इसका विजन यह है कि आप सबको मैं ऐसा नॉलेज या ऐसी आसान तरीके से आपको समझाना चाहता हूं ताकि आप भी क्रिप्टो के गुरु बन जाएं, क्योंकि ये फ्यूचर है। इसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करके बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और फ्यूचर के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखें, आपके जो फ्यूचर है वो डिफाइन होगा कि आप आज क्या करते हैं। तो अगर आप आज कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके फ्यूचर को बेनिफिट दे सकता है, तो क्रिप्टो के अंदर अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं और थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ज़्यादातर पैसा, तो इट इज़ द राइट टाइम, क्योंकि इस वक्त क्रिप्टो ऊपर जा रही है। अच्छा जी, आज की वीडियो के ऊपर मैं आपको बड़ा क्विकली बताऊंगा कि जो दो बड़े क्रिप्टो करेंसीज हैं, एक इथेरियम है और एक बिटकॉइन है, इनमें फ़र्क क्या है। बेसिकली मैंने कॉइन बेस के ऊपर वीडियो बनाकर पोस्ट कर दी है अपने चैनल पर, जाके उसको देखें, बड़ी यूज़फुल वीडियो है ये। कॉइन बेस बड़ा ही आसान सा प्लेटफॉर्म है न्यू कमर्स के लिए, और अगर आपने प्रो चीज़ में जाना है तो वो बाइनांस है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो पोस्ट कर दी है। वो मैं अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट उधर ले गया हूँ उठा के, मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था। अच्छा जी, आप अगर देखें तो क्रिप्टो करेंसी का जो सा टोटल मार्केट कैप है वो 5.4 ट्रिलियन एससी के, क्योंकि यहाँ पर स्वीडिश क्रोने दिखा रहा है मुझे, और ये इसका 1.3। तो ऑफ कोर्स इथेरियम एक छोटा नेटवर्क है बिटकॉइन से। विदाउट टेक्निकलिटीज़ में जाए बगैर मैं आपको बड़ा क्विकली दो तीन डिफरेंसेस बता देता हूँ इसके, जो कि इस वीडियो का टॉपिक है। वो ये है कि बिटकॉइन इज नॉट मोर देन, इट्स जस्ट अ करेंसी। बिटकॉइन एक करेंसी है, जैसे डॉलर है, यूरो है, पाक रुपीज़ है, रियाल है, इसी तरह बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज में डिजिटल करेंसी है, ठीक है, और इससे ज़्यादा इसका कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। और जो इथेरियम है वो पूरा का पूरा एक नेटवर्क है, उसके ऊपर आप डिजिटल करेंसीज बिल्ड भी कर सकते हैं और बहुत सारी बिजनेस एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लेजर टेक्नोलॉजी है। अच्छा, बिटकॉइन और इथेरियम में जो सिमिलैरिटी है, जो चीज़ सेम है, वो ये है कि दोनों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बने हुए। अगेन, हम लोग बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में बताना चाह रहा हूँ। लेकिन क्या बिटकॉइन, क्या इथेरियम बिटकॉइन से बड़ा हो सकता है? मैं ये मार्केट कैप वाइज अभी तो नहीं लगता, क्योंकि बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन क्या इथेरियम का जो 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 यूसेज है वो बिटकॉइन से ज़्यादा है? ऑफ कोर्स, क्योंकि इथेरियम को बहुत सारे इंस्टीट्यूशन यूज़ कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को, तो ये बड़ी ही एक स्टेबल टेक्नोलॉजी। और मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको मैंने एक वीडियो प्लान की हुई है जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि बिटकॉइन फर्स्ट जनरेशन थी इस सारी गेम की, दूसरी जनरेशन आई इथेरियम। इथेरियम ने कहा कि बिटकॉइन अच्छा, आप बहुत अच्छे हैं जो कर रहे हैं, आप इस चीज़ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये फंक्शनैलिटीज़ आप नहीं कर रहे हैं, ये हम लेके आएंगे। तो इथेरियम लॉन्च हुआ। अब इथेरियम देखिए, आज से कितने साल पहले लॉन्च हुआ था, तो अब इसकी प्राइस क्या हुई हुई है, 11,250 स्वीडिश क्राउन हुई हुई है इसकी प्राइस। लेकिन आज जब ये लॉन्च हुआ था तब इसकी शायद 20-30, देख लेते हैं अभी इसकी जो लोएस्ट प्राइस क्या थी, ऑल टाइम में चले जाते हैं। और इसकी लोएस्ट प्राइस थी 99 क्राउन। 99 क्राउन कब थी जी? 2016 में, ठीक है जी। 2015 में 7 क्राउन का था ये, 7 क्राउन का। आज कितने का हो गया है? 11,000 का। यानी कि अगर मैंने 2015 में $7,000 के 1,000 ये उठाए होते, तो मैं इस वक्त उन 1,000 को इस 11,405 से मल्टीप्लाई करके अपना प्रॉफिट ले सकता था। कहने की बात यह है कि ये ग्रो हुआ है टाइम के साथ। लेकिन आपने अगर देखना है कि यार आज के दौर का इथेरियम कौन सा है, जो इथेरियम जब स्टार्ट हुआ था तो उसकी छोटी सी प्राइस थी, तो वो ग्रो करते 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 5 सालों में कहाँ पे पहुंचा। अगर आप ये सोचें कि यार वो 5 साल पहले वाली इन्वेस्टमेंट मैं आज कैसे कर सकता हूँ, किसी कोई चीज़ ऐसी है, तो वो है कॉर्डानो। वो मैं उसके ऊपर वीडियो अलहदा से बनाऊंगा और मैं उसकी वजह भी बताऊंगा कि वो क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कॉर्डानो अभी
इन्होंने ट्रेडिंग उसकी शुरू नहीं की, लेकिन आप बाय कर सकते हैं बाकी जगहों पे, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन वो एक ऐसा नेटवर्क है कि इथेरियम ने कुछ किया और उसके बाद फिर सॉरी बिटकॉइन ने बनाया, बिटकॉइन की जो भी टेक्निकलिटीज थी, इथेरियम ने कहा कि जी हम ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो इथेरियम लॉन्च हुआ, उसको बहुत सारी कंपनीज ने अडेप्ट किया, और कार्डानो ने कहा कि भाई इथेरियम आप ये चीज़ें और ये चीज़ें नहीं कर रहे, अब हम ये लॉन्च करेंगे। तो जो कार्डानो है दैट इज़ अ थर्ड जनरेशन ऑफ दिस होल थिंग, ठीक है। और आज उसका उसकी प्राइस बहुत ही 0.3 सेंट्स में मेरे ख्याल से मैंने उसको लास्ट टाइम उठाया, और आप और वो आप खरीद लें 5 साल बाद, आप अगर वो देखें उसकी प्राइस यहाँ पर जाती कि नहीं। मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा, आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइज़र, मैं सिर्फ आप लोगों को बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, जॉब ओरिएंटेड हैं, आप थोड़ा सा पैसा, वो पैसा जो आप भाई लूज कर भी करने के लिए रेडी हो सकते हैं। देखें ये ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग के अंदर रिस्क भी उतना ही होता है, और क्रिप्टो के अंदर तो अभी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चल रही है। आप देखें मैंने अपने ये जो इथेरियम है इसमें मैंने इस अप एंड डाउन वेव के अंदर पिछले 2 हफ्ते के अंदर मैंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है तकरीबन 3 या 4 दफ़ा रोटेट की है, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसको डे ट्रेडिंग कहते हैं या स्विंग ट्रेडिंग कह लें आप। अच्छा जी, आप अगर देखें कि चेंज कितनी आई है, तो 1 साल के अंदर इथेरियम जो सा है वो 365% बढ़ा है, और जो बिटकॉइन है वो 218% बढ़ा है। अच्छा, मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हम ज़्यादा और डिटेल्स में नहीं जाते, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ में पढ़ देंगे हम इधर बैठे हैं कि हम इन्वेस्ट कैसे करें। आप जैसे बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसी तरह आप इथेरियम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इथेरियम की आप ग्रोथ देखें 1 साल के अंदर 500%, और इथेरियम अभी अपने पोटेंशियल को नहीं पहुंचा, इथेरियम अभी ऊपर जा रहा है। इस महीने के एंड पे अभी ये कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर इथेरियम जो सा है वो $2,000 की प्राइस को टच करेगा। इस वक्त क्या प्राइस चल रही है इथेरियम की? इथेरियम USD चल रहा है जनाब इस वक्त 1337, और ये इथेरियम USD चल रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि $2,000 को इसने टच करना है। तो एज एन इन्वेस्टर आप बिटकॉइन के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इथेरियम के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे इथेरियम इसलिए पसंद है कि एक तो उसका यूजेज बहुत वाइड है, बिटकॉइन में तो लोग बस पैसा पंप करते जा रहे हैं तो उसकी प्राइस ऊपर जाती जा रही है, इथेरियम का यूजेज बहुत ज़्यादा है। इथेरियम बहुत सारी डिफरेंट सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करता है। मैं इथेरियम के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, इसको जाकर ज़रूर देखें, ये इथेरियम क्या है, उसके अंदर आपको मैंने बताया कि बेसिकली ये जो आल्ट कॉइन है जो छोटे छोटे कॉइन्स हैं वो इथेरियम टेक्नोलॉजी के ऊपर बिल्ड हुए हैं। तो इथेरियम जब ऊपर जाता है तो वो छोटे छोटे आल्ट कॉइन भी ऊपर जाते हैं। तो अगर आपने इथेरियम में नहीं इन्वेस्ट करना तो आप ये छोटे आल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर अगेन एक सेपरेट वीडियो एक एक कॉइन पर मैं बनाऊँगा और आपको बताऊँगा कि किस में इन्वेस्ट करना अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है और किस में इन्वेस्ट ना किया जाए। आप ले यार छोटी छोटी वीडियोस आती रहेंगी, कोशिश करूंगा कि अगली वीडियोस और छोटी और कंसाइज करूँ। अभी थोड़ा सा चैनल स्टार्ट हुआ तो इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा लंबा ही हो जाती वीडियो। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें प्लीज़। और मैं किसी से कोई पैसे नहीं मांग रहा, ना ही आपने किसी को अपने पैसे देने हैं, आपने खुद लर्निंग करनी है, खुद गुरु बनना है और खुद से इन्वेस्ट करना है अपने आज के लिए और फ्यूचर के लिए। और मेरे इस चैनल ताशिफाई को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। दिस इज ऑल अबाउट लाइफस्टाइल इन स्वीडन, दिस इज़ माय पर्सनल व्लॉग, फैमिली व्लॉग कह लें, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, बहुत सारी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मैंने इस चैनल के ऊपर पोस्ट की हुई है। मेरे ख्याल से 400-500 से ज़्यादा वीडियोज़ इसके ऊपर ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। तो ले यार अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएँ सब्सक्राइब करने के बाद। अल्लाह हाफिज़।